वो नाम जो शहीद देशभक्तों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, सुभाष चंद्र बोस। बोस एक सच्चे सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए बोस ने अलग रास्ते चुने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से कई बार लोहा लिया। आईपीएस जैसे सर्वोच्च सेवा को छोड़ उन्होंने आजादी की अलग मुहिम छेड़ी थी। आजाद हिंद फौज जैसी शक्तिशाली सेना बोस के नेतृत्व में बनी थी और भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इसी साल उनकी 123वीं जयंती कल यानी 23 जनवरी को है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि के तौर पर एक खास कदम उठाया गया है। इस मौके पर वाराणसी जिले में आजाद हिंद मार्ग स्थित सुभाष भवन में 2 दिन का सुभाष महोत्सव मनाया जाएगा और उसी दिन यहां बोस के मंदिर को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में पुजारी दलित महिला होगी। जानकारी के लिए बता दें, ये महोत्सव विशाल संस्थान द्वारा मनाया जा रहा है और संस्था के संस्थापक और बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर ही इस मंदिर को बनवा रहे हैं, जो 23 जनवरी को तमाम देशभक्तों के लिए खुल जाएगा। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर के ठीक सामने दीवार पर बोस से जुड़ा इतिहास पढ़ने को मिलेगा। आजाद हिंद फौज का स्मृति स्तंभ जो सिंगापुर में है, उनके प्रतीकात्मक स्तंभ जल्द ही इस मंदिर के पास सुभाष भवन में बनेगा।